आप लोगों का मेरा नया वीडियो में। और आया हूँ मैं आज अलसभान मॉल में, जो मेरे पीछे दिख रहा है अलसभान मॉल में आया हूँ आज। तो यहाँ पर कुछ सामान लेना था, देखने आया हूँ ऑफर लगा है कि नहीं लगा है। चलिए मैं आप लोग को भी दिखाता हूँ मॉल के अंदर का क्या सीन है, तो कैसा है मॉल, अलसभान मॉल कैसा है, चल करके आप लोग भी देखिए। देखिए यहाँ का कुछ इस तरह का है, देखा जो सूख करके लकड़ी हो गई है। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर चल के मिलते हैं आप लोगों से। मिक्सर एक लेनी है, तो कोई छोटा देखते हैं सस्ते में अगर लगा हो तो। ये 149 का है, ये 79 रियाल का है, ये थोड़ा सस्ता लग रहा है। ये 99 का है। मसाला वगैरह पीसने में यार दिक्कत होता है मुझे, तो मिक्सर ले देखने के लिए आया हूँ, तो यहाँ पर कोई मेरे लायक दिख ही नहीं रहा है। बहुत महंगा महंगा है। ये 49 रियाल का है पानी गर्म करने वाला। ये कॉफ़ी बनाने का मशीन है, 129 रियाल का। देखें ये है कॉफ़ी बनाने का मशीन, 129 रियाल का है, इंडिया का लगभग 2500 रुपये लगभग इंडिया का। ये देखिए पेप्सी वगैरह है इधर। ये इधर दूध है, आप लोग से आगे चलकर और मिलता हूँ। ये देखो भाई यहाँ पर है पूरा मेला। ये है प्रेस, ये देखिए प्रेस वगैरह लगा है सब। 79 का है, 85 का है, 49 का है, 99 का है, 99 का ये वाला है, 159 का ये वाली प्रेस है। ये पानी देती है नीचे से, पानी का फुहारा भी देता है दबाने पे। ये बटन है, ये देखिए ये बटन दबाने से पानी का फुहारा फेंकता है नीचे से। ये सब भी प्रेस ही है। ये मिक्सर है, लेकिन इधर तो और भी महंगा है। वहाँ पर देखा था वो थोड़ा सस्ता था, यहाँ तो और महंगा दिख रहा है सब। अपने को एक कुकर देखना है, लेकिन कुकर कहीं दिख नहीं रहा है।
इधर है कुकर, ये है 119, 199 रुपये का है ये कुकर। यार अपने लायक सामान नहीं दिख रहा है, बहुत महंगा महंगा है भाई। ये गैस चूल्हा है, 249 रियाल का गैस चूल्हा, देखे कैसा है। ये हीटर है खाना बनाने वाला, लाइट से इलेक्ट्रिक हीटर है, इसको आप लाइट में लगा दें, ये गर्म होगा। और इसके ऊपर स्टील का बर्तन पे खाना नहीं बनेगा, इसके ऊपर, हाँ स्टील पे ही खाना बनता है, इसके ऊपर स्टील वाले बर्तन में ही खाना बनेगा, तो किसी और बर्तन में नहीं बनेगा। ये देखिए ये है, ये 179 का पूरा सेट है, इसमें दो मिलेगा, एक छोटा एक बड़ा है। मैं आप लोगों को ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो गाइस अगर मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, क्योंकि मैं ऐसे ही हर जगह का जा जा करके आप लोगों को वीडियो नया नया बना करके दिखाता हूं सऊदी का। मैं इस समय सऊदी रियाद में रहता हूं 4 नंबर पे, तो आप लोगों को मैं यहां का जो भी मुझे दिखता है कि मुझे दिखाना चाहिए, जो भी मुझे लगता है, मैं आप लोगों को वीडियो बना करके दिखाता हूँ। और अगर आप लोगों को यहाँ सऊदी रियाद का किसी मैटर पे या किसी चीज़ किसी बारे में आप लोगों को जानकारी लेनी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मुझे बोल सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर कोशिश करूँगा कि उस बारे में मैं आप लोगों को वीडियो बना करके दिखाऊं। ये देखिए ये लेडीज़ लोगों का पूरा नाइटी वगैरह कपड़े हैं सब। इधर पूरा कपड़े का है, इधर सब और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ इधर कपड़े ही मिलेंगे, कपड़े और चप्पल, लेडीज़ चप्पल देखिए इधर है। ये देखिए इधर सब चाकू वगैरह कैंची है, मुझे ऐसे ही चाकू लेनी है गोश्त वगैरह काटने के लिए। ये पता नहीं कितने का है, ये 35 रियाल का चाकू है भाई, अभी नहीं फिर किसी दिन। आप लोग भी बोलोगे कि सिर्फ देख देख के रख दे रहा हूँ, ले नहीं रहा हूँ, भाई ऐसी बात नहीं, लेना है मुझे, पर मेरे लायक मिलनी चाहिए सामान तब लेता मैं। ये देखिए यहाँ पर चमचा है, ये थोड़ी बड़ी है, मगर ये कितने का, 27 रियाल का है। सामान मिल तो रहा है मेरे लायक, पर महंगा मिल रहा है, और हम लोगों को चाहिए सस्ता वाला। ये देखिए इधर लाइन से सब, ये है 12 रियाल का, ये है 11 रियाल का, और ये है 24 रियाल का। ये 9 रियाल का है, ये थोड़ा कम लग रहा है। हाँ तो गैस मैंने ये एक लिया है, देखिए 9 रियाल का ये मिला, मुझे लेना है एक इसमें से, लेकिन ये महंगा मिल रहा है भाई। देखिए 29 रियाल का है, ये छोटा सा सामान है, 29 रियाल का दे रहा है, इसलिए इसको लेना है कि ये मिक्सर का काम करेगा, अपने को मिक्सर नहीं लेना पड़ेगा इसमें। क्या नाम है, लहसुन वगैरह अदरक का अगर कुछ मिक्स करना है तो उसको उसमें कूट सकते हैं मसाले की तरह, लेकिन वो भी महंगा है, अभी पैसे भी कम हैं तो बाद में देखेंगे उसको। ये देखिए इधर
इधर सब खाने पीने का सामान मिलेगा। आप लोगों को सब्जी वाले की तरफ लेके चलते हैं, सब्जी की तरफ। देखिए किधर सब्जी मिलता है, ये देखिए इधर गोश्त मिल रहा है, ये देखिए ये पैकेट बना बना करके यहाँ पर गोश्त रखा हुआ है सब। इधर भी है, देखिए इधर सब काजू बादाम रखा हुआ है। ये बादाम है, ये अखरोट है, इसके अंदर चना है, बादाम, चना बादाम, चना कचहा बादाम। ये इधर जैतून है, ये जैतून सऊदी लोग बहुत खाते हैं। ये जैतून है भाई, बहुत फ़ायदा करता है, ये बहुत फायदेमंद चीज़ है। इधर है सब्जी, अपने पास तो है सब्जी में प्याज आलू मिर्ची, अभी कुछ बनाता नहीं हूँ मैं तो, लेकर के कोई फायदा नहीं है। ये संतरे हैं, संतरे ये देखिए गाइस, संतरे यहाँ पर मिल रहा है, और पीछे मेरा केला है। ये देखिए यहाँ पर आम, आम है और केला है। इधर सब्जियाँ वगैरह मिल रहा है, इधर सब्जी है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर देखें लास्ट तक, और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को। चलो भाई अब चलते हैं, क्योंकि अभी मुझे 10:30 बजे मदरसा जाना है, अभी 10 बज गया है। मैं उसको छोड़ के लड़की को डायरेक्ट यहीं पर आया हूँ, क्योंकि 1 घंटा टाइम था बस, तो मैं सोचा रूम पर जा कर के क्या करूँ, 1 घंटे में ही क्या कर सकते हैं, सोचा यहीं पर रुक जाता हूँ। यहाँ मॉल है बगल में कुछ दूर पे, यहाँ से देख लेते हैं अपने को, अपने लिए कुछ सामान तो नहीं, कुछ अपने लायक दिखा, सिर्फ यही मिला है कल पलटा, तो इसको ले लिया मैं, ये 9 रियाल का है। अब इसको लेकर चलते हैं, उधर देखिए सूटकेस वगैरह मिल रहा है आप लोगों को, वो तो मैं दिखाया ही नहीं, वो भी दिखा देता हूँ। ये फ्रिज मिल रहा है ऐसा, देखिए इधर है सूटकेस, घर जाने के टाइम पे लेंगे। 179 रुपये का एक सूटकेस है ये। इधर सब 179 रुपये वाली ही है, ये सब घर में सजाने के लिए रखा गया है, ख़रीदने के लिए पेड़ वगैरह है, ये सब पैसे वाले सऊदी लोग ख़रीदते हैं घर में लगाने के लिए, जैसे कि शो के लिए, ये असली नहीं है, नकली है। ये सब डेकोरेट का सामान है इधर घर सजाने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं लेकर के इसको, और आप लोग से मैं अब नीचे मिलता हूँ। हाँ तो भाई मैं ले लिया हूँ ये प्ले, ये देखिए इसको, और अब जा रहा हूँ गाड़ी के पास, और अब डायरेक्ट जाऊँगा मदरसा में स्कूल। तो ये देखिए ऊपर से नीचे का सीन बहुत अच्छा लगता है यार,
अभी तो मैं कहीं ऐसा है मेरा घर कपिल मेरा ऐसा है कि मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ गाड़ी लेकर के। मगर आप लोग जानते ही हैं इंडियन लोगों को कि वो लोग बगैर जाए कहीं पर जाए या बगैर कहीं पर कुछ सामान लेने जाने से डरते नहीं हैं। कपिल क्या कहेगा क्या बोलेगा पहले कर लेते हैं, अंजाम नहीं सोचते आगे कि अंजाम क्या होगा, लेकिन फिर भी कुछ सोचते नहीं हैं हम लोग। अभी मेरा कपिल सोया हुआ है इसके लिए मैं चला आया, इधर मौका मिल गया मुझे, क्योंकि अगर वो जगा हुआ रहता तो बाहर निकल के देखता गाड़ी अगर नहीं है तो मेरे पास तुरंत फ़ोन करता कि मैं कहाँ हूँ, इसीलिए मैं इधर आया हूँ। अभी वो सोया है, मुझे पता है कि वो उठेगा लगभग 2:30 बजे तक उठेगा, उसका टाइम अभी नहीं हुआ है, रोज़ा में वो लोग देर तक सोता है, मुझे पता है कि वो अभी नहीं उठेगा इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, नहीं तो मैं नहीं आता। ये देखिए इधर गाड़ी खड़ी है और ये है। अब चलिए फिर चलते हैं और आप लोग से मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे। आप लोगों को फिर और कहीं नई जगह जाएंगे हम तो आप लोगों को दिखाएंगे, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करें और वीडियो को देखें लास्ट तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें चैनल पर नए हैं तो। और भाई सपोर्ट करें हमें भी, तो चलिए चलते हैं, इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत।